ये अलग है भाई, ये अलग है, ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। ये है कुदरत का नज़ारा, ये है भगवान का नज़ारा। ओ भाई भाई भाई, रुक मत, निकल जा निकल जा निकल जा, चल 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 चल। मेरी जिंदगी का, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट है ये। जब से सेना लगा है, सेना की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, सेना को फिर लेने ना। नहीं, दुनिया का हम भी तो कर रहे हैं, सेना का वाला चीज। हाँ, ये ले जाओ भैया, ये है, ठीक है, ये है, ये भी है, एक एक आ जाएंगे। हाँ, एक एक। हाँ, ले जाओ। हाँ जी, तो ऑल सेट टू एक्सप्लोर मलशेज घाट है ना, आज जा रहे हैं मलशेज घाट। ये देखो हमारे गोविंदा भाई आ गए चश्मा लगा के, बड़े वाला चीची। तो ऐसा कुछ रूम था लास्ट नाइट, छोटा सा रूम है लेकिन ठीक था दो लोगों के लिए। ये हमें पड़ा था 1200 रुपये का। कौन सा होटल है ये? ऑर्चिड ना? ऑर्चिड, हाँ ऑर्चिड होटल है ये, पुणे के आसपास ही है, बोपोड़ी में। हाँ बोपोड़ी में है। तो सामान वगैरह ऑलरेडी हम पैक कर चुके हैं, थोड़ा सा भिजवा चुके हैं, तो एक दो चीज़ें हैं वो भी लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और यहाँ से मलशेज घाट दिखा रहा है 130 किलोमीटर। माइक वाला जो पंगा है अभी तक सही से सॉल्व नहीं हुआ है, कभी आ रही है आवाज़ कभी जा रही है, तो यही सीन चल रहा है। चलो दादा आप निकलो। हाँ ये भी चेंज कर दिया यार, तब भी ना प्रॉब्लम आ रही है जा रही है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए हैं कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है। गोप्रो में प्रॉब्लम है या फिर माइक अडेप्टर में प्रॉब्लम है, माइक में प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें चेंज करके देख ली। तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और पैसा भी। मौसम कैसा है अभी? मौसम ठीक है, ठीक है, ये बढ़िया है, फिर धूप नहीं है तो है यार, धूप आ गई। ये खड़ी जी अपनी बाइक के, तो सनी भाई तो जा नहीं रहे हमारे साथ, तो सनी भाई को अलविदा, फिर मिलेंगे है ना भाई? हाँ भाई जरूर, जल्दी मिलेंगे, जल्दी नेक्स्ट राइड प्लान पक्का करेंगे, पक्का और जल्दी मिलेंगे। तो ले लो क्या? पता नहीं आगे से रास्ता है कि नहीं, आगे से रास्ता है नहीं है। चलो जी फाइनली हम छोड़ रहे हैं पुणे को, और छतरी भाई को दे दिया मैंने। जल्दी मिलते हैं दीपक भाई। हाँ गिफ्ट में छतरी दी है, कुछ और मांगा था। ओके बाय बाय, टेक केयर। हाँ एवरेज ये 22। हाँ अभी कहाँ जा रहे? अभी जा रहे मलशेज। मलशेज, हाँ मलशेज। देखो 3 दिन तक तो हमने बारिश झेली, लेकिन अब देखो कितनी गर्मी हो गई भाई, पसीने पसीने हो गया हेलमेट के अंदर में। ये क्या सही पेंटिंग कर रखी है यहाँ पे, ओह वाह अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखो कितना। अब मिला है रोड खाली, भगाओ भगाओ भगाओ, ये क्या बात है। मनी भाई मनी दे दो हमें, मनी दे दो, मनी 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 मनी। खेड़ घाट पहुंच गए जी हम। ब्रेकफास्ट कहाँ किया था हमने? छोटा मोटा जो खाया। खोलना जरा। अरे हाँ, ये स्टैंड का लकड़ा ऑटोमेटिक की वजह मैनुअल हो गया ये। सही बात, चलो। और तो भाई ब्रेकफास्ट कम लंच कर लेते हैं, टाइम हो गया है 12:59 यानी कि 1 ही बजने वाला है। हाँ तो कुछ खा लेते हैं यार, भूख लगाई है। तो भाई राइट नाउ हम पहुंचे हैं मंचर, एक जगह का नाम है, और काफ़ी अच्छा खींचा हमने, जो लास्ट स्ट्रेच खींचा ना हाईवे, इतने प्यारे मिले, मज़ा आ गया भगा के। ये भाई तो लेट के आ रहा था अपनी स्कूटी पे। कितने खींची? 125 के ऊपर ही गई थोड़ी, 130 के आसपास ये भी भगा रहा था। बाकी यहाँ से जो आज का डेस्टिनेशन है हमारा मलशेज घाट, वो है 53 गूगल दिखा रहा था, बाकी ये भाई बता रहे जो लोकल ढाबे वाले हैं रेस्टोरेंट वाले कि 60-70 किलोमीटर अभी है। ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो यार ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी करते हैं हम ब्रेकफास्ट कम लंच वड़ा पाव के साथ, ठीक है? ये रहे वड़ा पाव, पूरे महाराष्ट्र में हमने वड़ा पाव ही खाए हैं, पाव ही पाव खाए हैं।
हाफ सेंचुरी कर ली होगी आपने, वड़ा पाओगी? हाँ, रोज वही खा रहे हैं। ये लो जी, ये आ गए अपने वड़ा पाव। अरे जिस जिसको लगता है ये गोविंदा की तरह, कमेंट करके बताना। सो गाइस, 1:48 हो चुके हैं, निकल पड़े हैं फिर दोबारा से आगे की तरफ। थोड़ी सी धूप कम हो गई अब। हाँ जी, हो गया। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वाह 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 वाह। ये देखो यार, ये देखो क्या जगह है यार, ये अमेजिंग, अद्भुत, अविश्वसनीय है। क्या रोड जा रहा है, देखो ना कितना सही लग रहा है ऊपर ऐसे ही। बहुत सही दिख रहा है। ये तो साला स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, वॉर्वे सब फेल हो गए इसके आगे, ऐसा लग रहा है। इतनी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। हाँ बस, थैंक यू। सामने से हटाइए। अबे बाइक हटाइए। बाइक नहीं, स्कूटी हटाइए। ये देखो यार क्या गजब का नज़ारा, यहाँ पे ड्रोन शॉट लेते हैं, मज़ा आएगा, बहुत प्यारा आएगा। ये है जी भुंडेवाड़ी, नाम थोड़े से अजीब अजीब है महाराष्ट्र में, भुंडेवाड़ी, बोपोड़ी, तपोली। ये हो गए जी घाट सेक्शन शुरू, अब मेरे ख्याल से पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। सामने से पहाड़ दिख रहे थे लेकिन अब क्या है, घाट्स आ गए हैं। देखो कितना समय लग गया हमें इतने से किलोमीटर कवर करने में। जगह इतनी सुंदर है कि हर मोड़ पर रुकने का मन करता है, हर मोड़ पर फ़ोटो खींचने का मन करता है, वीडियो बनाने का मन करता है। ये देखो भाई साहब, लवली, ब्यूटीफुल। वहाँ पे देखो भैंस बिल्कुल टॉप में। भैंस चल रही है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे। ये कौन सी जगह आ गई भाई साहब, हम शायद कोई, ओ माय गॉड, नाइन नाइन नाइन, हम पहुँच गए हैं स्वर्ग में। ये देखो जैसे ही टनल क्रॉस करी है भाई, अलग ही नज़ारा है यार यहाँ से। तो एक लेक है, नदी है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पार्वती हिल्स विला प्लॉट फॉर सेल, दादा यहाँ पे ले लो कोई जगह, बहुत सही जगह ये तो। पूछता हूँ मलशेज कितना दूर है यहाँ से, ये मलशेज कितना है यहाँ से, मलशेज 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 सीधा। बावर्ची वाड़ी नहीं, बारवची वाड़ी। बावर्ची आ गया। देखो इस तरफ मौसम साफ है बिल्कुल, और इस तरफ देखो बारिश हो रही है, यहाँ से तेज हो गई बारिश और। ओहो लग रहा है भीग जाएंगे। हाँ तेज हो गई। ये छोटा सा सेक्शन थोड़ा सा ख़राब आ गया है जी, यहाँ पे स्लिप हो रही है बाइक हल्की हल्की जी। आगे से ट्रक भी आ गया जी, हम भी धीरे धीरे निकल रहे हैं जी। अच्छा कितना किलोमीटर का पैच है, 8-10 किलोमीटर का। ओके 8-10 किलोमीटर बोल रहे हैं कि उसका पैच है मलशेज का। 1 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाएगा, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, मतलब स्टार्ट हो गया बेसिकली। पीछे देखो, नहीं आगे देखो, आगे पीछे नहीं, आगे वाटरफॉल हैं काफ़ी सारे जो कि पहाड़ से गिर रहे हैं, कितने सही लग रहे हैं। ओ देखो
जबरदस्त लग रहा है। मतलब इतने सारे वाटरफॉल्स शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे एक पहाड़ से निकलते हुए। अभी बता रहे हैं मनी भैया हमारे कि और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वो देखो भाई साहब, और ये सब मानसून में ही मिलते हैं भाई, पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पे, पूरी हिल गई है गाड़ी भी, मैं भी पैंट बच चुका है। यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो लें क्या? बहुत सही लग रहा है ये स्पॉट। ये मौसम अब क्या करके मानेगा भाई, पुणे के अंदर कितनी चिलचिलाती धूप थी, यहाँ पर देखो भाई बिल्कुल ही चेंज हो गया वेदर, बहुत तेज हो गई आगे, बहुत तेज। अब तो हो गया काम खराब। अरे यहाँ पे रुकने की जगह ही नहीं है, रुकते रुकते देखता हूँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए तो रुकता हूँ मैं। हाँ नज़र तो आया कुछ, यहाँ पे है MTDC का कुछ है, राइट हैंड साइड पे देख लेना गाड़ी, ठीक है, बोर्ड लगा हुआ, आ जाओ आ जाओ। ओहो जबरदस्त, भागो भाई क्या तूफान आ गया। ओहो ओ तेरी की खतरनाक खतरनाक, लेकिन मजा आ गया। क्या ठंडा ठंडा लग रहा है यार, हाँ हर जगह घुस गया, कुछ नहीं दिख रहा अब तो आगे, सब कुछ फॉग में। बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है, आधे घंटे से ऊपर हो चुका मैं यहाँ पे, तो अब निकल ही रहे हैं, देखते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आगे कोई होटल मिलेगा तो होटल ले लेंगे, नहीं तो चलते जाएंगे आगे। और एक चीज़ दिखाता हूँ देखो मैं बोलता हूँ ना टाटा बाय बाय सायोनारा, आज मैंने पहली बार देखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सायोनारा क्या बात है, वादा निभाऊंगी सायोनारा, कल फिर आऊंगी सायोनारा, आ गई चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इस वाले रोड पे जाएंगे तो रिवर्स वाटरफॉल है, तो अभी तो उधर जा नहीं रहे हैं क्योंकि फॉग ज़्यादा है और फिर बारिश भी है तो कुछ नज़र आना नहीं है। ये वाला रास्ता है, यहाँ पे जाना पड़ेगा उसके लिए। ये देखो एक वाटरफॉल ये रहा, जगह जगह ना अब आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही गजब वाले। ये फेमस ही इसलिए मलशेज घाट वाटरफॉल के लिए मानसून में, और इतनी तेज़ हो गई है बारिश, तो अब मैं कर लेता हूँ अपनी बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा। ओहो खतरनाक, आगे देखो क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल गिर रहा है। हम कहीं रुक नहीं रहे हैं यार, बारिश इतनी ज़्यादा तेज है ना, फोटो वोटो कैसे ली जाए, इतनी तेज़ बारिश है। ओए बहुत ज़बरदस्त शानदार, यहाँ पे भुट्टे वालों की दुकानें हैं। ये देखो लोग ऊपर गए हुए हैं यहाँ पे, हम भी जा सकते हैं ऊपर, चलना है क्या ऊपर है? ये देखो यहाँ पे भुट्टे वालों की दुकानें हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ओ भाई ये देखो कितनी तेज आ रहा है पानी, वो भाई नहा रहा है वहाँ से, नहाते हुए आ रहा है, वाह वाह। चलो चलो ओ, ओ, ओ भाई बड़ी तेज आ रहा है, तो आ जा आ जा, सर पे लगेगा जबरदस्ती है। दादा वीडियो बना रहे हैं हमारी, चले आ जाओ भाई। ओ हो भाई बहुत तेज है यहाँ पे ये वाटरफॉल, सीधा ऊपर से गिर रहा है, देखो गजब। ऊपर चलो भागो, देखते हैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं ऊपर कैसा नज़ारा है। स्टेयर ख़राब हो रखी है यहाँ पे थोड़ी सी, अबे चढ़ेंगे कैसे भाई, हमारे जूते भी वैसे हैं, हाँ थोड़ा सा खतरनाक है। ये आ गए टॉप में, ओ भाई ये देखो, देखो रोड के साथ में ही बना हुआ ये वाटरफॉल,
बढ़िया सा नज़ारा है। एक वाटरफॉल वो देखो पूरा कितना सही लग रहा है वो भी। भाई साहब मज़ा आ गया यार। अच्छा यहाँ पे रुकने का कुछ है क्या? रुकने का कुछ है ऊपर है ना क्या? गवर्नमेंट का एमटीडीसी है क्या? और कोई आगे नहीं है? सस्ता कुछ जुगाड़ो। नीचे, नीचे, कितना नीचे? घाट नीचे जाने के बाद है। कितना घाट है? कभी भी एक 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के बाद मिलेगा? 20 से 25 किलोमीटर पर। ओके उस साइड मिलेगा फिर। यहाँ से तो बहुत नजदीक है ऊपर। अच्छा एकदम मस्त है। आप यही लोकल ना? लोकल मतलब हमारा यही रोड है, आगे दो घंटे का रास्ता है हमारा गाँव आगे। अच्छा कल्याण सिटी आगे। ओके पहाड़ से जो बारिश गिरता वो झरना गिरता है वो आगे आगे एक टनल आएगा, टनल की जैसे क्रॉस करोगे वो पूरा रोड पे झरना। ओके आगे आगे चलो फिर चलते हैं ना। भाई साहब क्या बवाल वाली बारिश हो रही है। ऐसी बारिश मैंने देखी थी जब मैं अपनी ऑल इंडिया राइड में था कोच्चि, मतलब केरला में जो बारिश आई थी और उसके बाद फिर बाढ़ आ गई थी भाई ज़बरदस्त। तो मैं बस एक दिन से बचा था, अगले दिन बाढ़ आ गई थी केरला से जैसे निकला। लेकिन देखो ना भाई कितनी तेज बारिश है और ये जगह जगह से झरने निकले हुए हैं। आज की बारिश सबसे ज़्यादा तेज है जितना अभी तक हमने महाराष्ट्र घूमा है। ओ भाई तबाही वाला आलम लग रहा है ये तो पूरा। सावधान चट्टान दरक सकती है। नो 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 नो, नो, नो। ये आ गई टनल कोई। ओ भाई सामने से कितनी तेज पानी आ रहा है। ओ माय गॉड क्या नज़ारा है भाई। दैट्स इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल है इनक्रेडिबल है दादा। लेकिन दिखाई नहीं दे रहे सही से। उधर ज़्यादा है पीछे आ गया ट्रक। ओ भाई बोल रहे कि यहाँ पे खड्डे। ओ माय गॉड दादा ये कौन सी दुनिया है। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल खतरनाक। चलते रहो रुको मत। चलो 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 आ जाओ दादा। खड्डे हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ध्यान रखना। ओ हो इनक्रेडिबल भाई आज तक मैंने ऐसा नज़ारा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो इस टाइम देखने को मिल रहा है। हैं वो देखो यार वो देखो जगह जगह झरने निकले पड़े हैं। पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। चलो अभी गिरा बड़ा पत्थर। रुकना नहीं रुकना नहीं। हाँ हाँ गड्ढा है भाई साहब क्या बवाल वाला पानी आया हुआ। चल 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 रुक मत आगे जाने। चलो चलो निकल जाते हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे भाई यहाँ पे। ओ भाई 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 रुक मत निकल जा निकल जा निकल जा। चल 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 भाई पूरी गई बाइक पूरी गई बाइक। निकल गए नहीं आ पाएंगे दादा। बहुत ज्यादा गड्ढे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े गड्ढे भाई। उनकी बाइक ना नीचे लग सकती है बहुत ज्यादा फंस भी सकती है। हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं देख के तो आएंगे भाई। ओ माई गॉड दिस इज नेक्स्ट लेवल मैन। मतलब मेरी ज़िंदगी का मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट है ये जब इतना ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये अलग है भाई ये अलग है ये दुनिया अलग है
ये दुनिया अलग है। ये देखो, ओ माय गॉड, ये है कुदरत का नज़ारा, ये है भगवान का नज़ारा। खूबसूरत भी है, डरावना भी है, लेकिन ऐसी चीज़ मैंने कभी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, बहुत ही अलग है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ मैं देख के, भाई दिस इज नेक्स्ट लेवल। ये देखो पूरा रोड पे गिर रहा है, हैं? इधर 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 आराम से। That's, मैं नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट नहीं, मेरा सेना बोल रहा है नेक्स्ट। भाई कहाँ आ गए हम, इतने सारे वाटरफॉल, इतने सारे झरने, हजारों करोड़ों झरने लग रहे हैं यहाँ तो। और मुझे नहीं लगता आपने भी शायद ऐसा नज़ारा पहले कभी देखा होगा किसी YouTube वीडियो में, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल भारत, अपना भारत। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। बस अब सुरक्षित हम पहुँच जाए वापसी। ये जो पैच है ना भाई, अच्छा हुआ दादा नहीं आए, फंस जाते दादा। ये देखो भाई, ये जो जगह है ना इस टाइम मानसून में, एक नंबर। अब फॉग है आगे, मेरे ख्याल से हमें वापसी जाना चाहिए यहाँ से। अब ये पता नहीं आगे क्या है, कोई फोर्ट टाइप का कुछ लग रहा है मुझे आगे। मन कर रहा है यार ड्रोन उड़ाए, लेकिन बारिश ने ना ऐसी तैसी कर दी है। एक हाँ दिखेगा, कसम सब दिखेगा पूरा, लेकिन क्या करें भाई, नहीं देख सकते हम, ड्रोन उड़ा नहीं सकते एक्चुअली। ये देखो, अब देखो नज़ारा। यही है, यही है। तो 7 बजने वाले हैं आराम से, ठीक है। रूम सेठ से बात करनी है, ठंड लग रही है मुझे बड़ी। पानी दिखाता हूँ कितना है इसके अंदर, भाई साहब पूरा भर गया बारिश में, इतना पानी है। अबे अभी भी बरस रहा है, उल्टे रख देते इनको, है ना। ये देखो भाई साहब कहाँ कहाँ पानी घुस गया, हर चीज़ में पानी है। जूते में तो आपने देख ही लिया, हमने हेलमेट भी उल्टा कर दिया है। और ये देखो हमने सुखाने के लिए क्या किया है, एक देग में चावल भर के रख दिया और उसमें सारा सामान डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक। ये वाला अपने आप रीस्टार्ट हो रहा था, मेरा रोड का माइक अपने आप रीस्टार्ट। तो भाई बारिश में कभी भी राइड करो ना, तो सब चीज़ सेफ करके पन्नी में रख के चलना,
इस बार भारी गलती हो गई मुझसे कि भाई मैंने पन्नी में नहीं रखा, पॉलीथिन में नहीं रखा, और सारे के सारे गैजेट ना कुछ दिक्कत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गोप्रो कर रहा है, तो देखते हैं। वैसे ये 4000 का फटका लग चुका है, ये नया वाला लिया है आज हमने। जो भी होगा, अब जैसा भी है, अब मानसून राइड कर रहे हैं, अब मानसून राइड कर रहे हैं तो भाई पानी तो बरसेगा ना। तो चलो भाई साहब, आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप आपको मज़ा बहुत आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, तोड़ फोड़ देना। अच्छा लगा वो व्लॉग तो देखो, कहाँ कहाँ जाके मैं आपको व्लॉग्स दिखाता रहता हूँ, अच्छी अच्छी जगह। और जो स्पेशल पार्ट था आज का, तो वो भाई वो वाला सेक्शन था जहाँ पर मनी भाई और मैं भाई साहब बाइक चला रहे थे। दादा रुक गए थे, वो दादा ने थोड़ा सा मिस कर दिया, लेकिन भाई जो हमने देखा ना उस टाइम, इतना पानी भर गया था वहां पे, हमें तो डर लग रहा था भाई कहीं हम वहां पे डूब ना जाए, इतना पानी था। तो चलो, बाकी व्लॉग जैसे मैंने बोला अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। दादा गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, चलो बाय बाय।